जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं 5000 साइंस का वो सीरीज दोबारा शुरू। दोस्तों तो हम लोग कई क्वेश्चन कर चुके हैं और आज उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा है, मुझे बता दीजिए कि निम्न में से आयरन का दोस्तों प्रचुर स्रोत कौन सा है। सीधे तौर पर आंसर इसका पूछा गया है, आयरन का प्रचुर स्रोत दोस्तों पूछा गया है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, सभी के मुझे यहाँ पे कमेंट मिल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आ गया है। दोस्तों हरी सब्जियां जो है वही सबसे ज्यादा बड़ी सोर्स है आयरन का। बिल्कुल यहां पर सही आंसर आप सभी लोगों ने दोस्तों दे दिया है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन द वॉटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। अब ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी में पाया जाने वाला कौन सा वो तत्व है जो दोस्तों कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। कैंसर के लिए उत्तरदायी इनमें से कौन सा होगा जो दोस्तों पानी में तत्व पाया जाता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा वो तत्व है जो दोस्तों पानी में पाया जाता है और यहां पर कैंसरकारी होता है वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब अनिल बराला जी। चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, वो आर्सेनिक होता है। जयमेंद्र कुमार जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, आर्सेनिक ही ऐसा है जो कैंसर के लिए दोस्तों उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। निम्न में से कौन सा दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है, ये मुझे बता दीजिए। निम्न में से कौन सी घटना एक रासायनिक परिवर्तन होगी दोस्तों, ये मुझे सोचकर आप लोग बताइए। जल्दी से इसका आंसर देंगे, कौन सी निम्न में से घटना है जो दोस्तों क्या होगी, बिल्कुल जल्दी से बताइए इसका आंसर, तेजी से इसका आंसर बता दीजिए मुझे। कौन सी निम्न में से ऐसी है जो दोस्तों रासायनिक घटना होगी। चलिए चलिए, बिल्कुल सही जवाब सभी का आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, सभी का सही जवाब यहां पे आ गया है। रासायनिक घटना की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन दोस्तों यहां पे होगा, ठीक है। यही केवल यहां पर एक रासायनिक घटना है, बाकी इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन दोस्तों नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखिए, व्हाट कॉजेस द डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का कारण कौन होता है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का दोस्तों कारण कौन बनेगा, जल्दी से बताएं, सीधा क्वेश्चन है ये भी। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का कारण कौन बनेगा, तेजी से बताइए इसका भी आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर सभी का यहां पर आ रहा है, मुझे मिल रहा है सभी का आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है। सही आंसर बात करें तो जो जीवाणु होते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया होते हैं, यही डीकंपोजिशन करते हैं। सही आंसर यहां पे आप सभी का आ गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रिड्यूस्ड बाय अ लुब्रिकेंट। स्नेहक द्वारा दोस्तों क्या कम किया जाता है, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। स्नेहक द्वारा क्या चीज दोस्तों यहां पर कम की जाती है, ये मुझे बता दीजिए तेजी से। स्नेहक का काम क्या होता है, लुब्रिकेंट का काम दोस्तों यहां पर क्या होता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है। सही आंसर है दोस्तों, सतहों की अनियमितताओं का अंतापाश, यानी द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज ऑफ द सर्फेस। जो सर्फेस होता है इसमें जो इररेगुलरिटीज हैं उनको दोस्तों जो है वो क्या करना, इंटरलॉक करना, यही काम होता है दोस्तों हमारे लुब्रिकेंट का यानी स्नेहक का। बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने यहां पर दिया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, @shubhamsir_textbook, यही वो टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपको पूरी पीडीएफ फाइल मिलने वाली है। तो इस पीडीएफ फाइल को लेने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर और भी बहुत सारी पीडीएफ फाइल मिलेंगी, लेटेस्ट एग्जाम्स की जानकारी भी दोस्तों आपको यहां मिलेगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप सभी तरह के डाउट भी मुझसे यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए @shubhamsir_testbook और साथ ही साथ दोस्तों आप ये टेस्टबुक का पास भी ले सकते हैं। ये पास की दोस्तों जरूरत इसलिए है क्योंकि तैयारी चाहे हम कितनी भी अच्छी करें लेकिन जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिना प्रैक्टिस के दोस्तों ये काम नहीं हो सकता। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों हम जरूर ये पास खरीदें। इस पास को लेने के लिए दोस्तों क्या प्रोसेस करना है वो भी एक बार मैं समझा देता हूं। 26,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दोस्तों यहां पर मिल रहे हैं, 26,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट यहां पे मिल रहे हैं जो 400 से भी ज्यादा एग्जाम के लिए काम में आने वाले हैं। तो एक बार देखिए कि किस तरीके से दोस्तों ये पास आपको लेना है वो भी मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि किस तरीके से यहां पर दोस्तों पास ये लेना है आपको। देखिए अगर बात करें दोस्तों तो ये अपना यहाँ पर लेक्चर चल रहा है, ठीक है। इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोस्तों आपको दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों यहां पर ये लिंक दिया हुआ, देखिए यहां पर ये लिंक दिया हुआ है ईयरली पास का। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस तरह की विंडो यहां पर ओपन होती हुई दिख जाएगी। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मंथली टेस्ट बुक का पास जो है वो 299 रुपए का है, ईयरली जो टेस्ट बुक का पास है वो दोस्तों 399 रुपए का है और लाइफ टाइम जो पास है वो 599 रुपए का है। इसी में अगर दोस्तों यहां पर मेरा कोड का इस्तेमाल करेंगे आप SUAPASS, इस कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहां से देखिए आपको पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 299 वाला था वो 255 का रह गया है, जो 399 वाला था वो 340 का रह गया है और जो 699 वाला था वो दोस्तों यहां पर 510 का यहां पर केवल रह गया है। तो इस तरह से आप कूपन का कोड का यूज करके भी दोस्तों यहां पर इस पास को ले सकते हैं और अपनी तैयारियों को दोस्तों यहां पर धार दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, इसका यूज दोस्तों जरूर कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट पर मिनट ऑन एन एवरेज इज, यानी सामान्य मानव हृदय की धड़कन जो है वो औसतन कितने मिनट प्रति मिनट होती है। जो मानव हृदय की धड़कन है दोस्तों वो औसतन कितना होती है प्रति मिनट, एक मिनट में मानव हृदय कितनी बार दोस्तों धड़कता है, ये पूछा गया है। 50 से 100 बार, 90 से 100 बार, 100 से 120 बार या 60 से 100 बार। चलिए बिल्कुल प्रधान जी, देखिए बहुत सारे नए टेस्ट में इंक्लूड किए गए हैं, लगातार उसमें अपडेट होते रहते हैं तो लगातार उसमें अपडेट होकर नए टेस्ट और नए क्वेश्चन जुड़ते रहते हैं। चलिए सही आंसर यहां पे आ रहा है दोस्तों, 60 से 100 यहां पर सही आंसर होगा। देखिए एवरेज हमारा वैसे 72 होता है, 72 पर मिनट का ही हमारा दिल जो है वो धड़कता है, लेकिन ये 60 से 100 के बीच में दोस्तों वैरी कर सकता है, ठीक है। 60 से 100 यहां पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। द पीपल इज अ पार्ट ऑफ, पुतलियां जो है वो किसका पार्ट होती हैं, हम सभी को मालूम है। देखिए पुतलियों की बात करेंगे, पीपल की बात करेंगे तो हम सभी को मालूम है दोस्तों नेत्र का ही ये पार्ट होती है, नेत्र में ये पाई जाती है हमारी पुतलियां यानी हमारा पीपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच एजेंट प्रोड्यूस अ लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों ये रिपीट हुआ है। कौन सा घटक संवेदना की स्थानिक या सामान्य स्थिति पैदा करता है, सेंसेशन दोस्तों इनमें से कौन ऐसा है जो सेंसेशन पैदा करता है, ये मुझे बताइए दोस्तों, तेजी से मुझे सभी लोग बताइए कि सेंसेशन जो है वो दोस्तों कौन पैदा करता है। सभी लोग इसका आंसर देंगे, सेंसेशन यहां पर कौन दोस्तों पैदा करता है, ये सीधा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। चलिए बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही यहां पे आंसर मुझे मिल रहा है, सभी का आंसर यहां पे सही आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही, बाकी लोग भी आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे। चलिए बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया, सही आंसर यहां पे है एनेस्थेटिक, यानी संज्ञाहारी जो है दोस्तों यही क्या करते हैं, सामान्य स्थिति को पैदा करते हैं, जो सेंसेशन का लॉस है दोस्तों उसको ये करते हैं, यानी बेहोशी की हालत दोस्तों ये ले आते हैं, ठीक है ना, एनेस्थेटिक जो होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया है, व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रिंगवॉर्म, यानी निम्न में से कौन है जो दोस्तों दाद का कारण होता है, जो हमारी बॉडी में दाद नामक रोग हो जाता है तो उस दाद का यानी रिंगवॉर्म दोस्तों जो होता है उसका कारण क्या है, क्या वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया उसका कारण है, फंगस कारण है या लिवर वर्ट उसका कारण है। गोविंद भारद्वाज जी, अनूप कुमार जी, जिंदगी जी, ऋतु शुक्ला जी, सभी लोग बताइए, सपना चौहान जी, कुलदीप सिंह जी, प्रत्युष जी, तरुण कुमार जी,
जुबैर अंसारी जी, सभी लोग बताइए इसका आंसर। चलिए चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, फंगस सही आंसर है। फंगाई के कारण, फंगस के कारण ही दोस्तों हमारी बॉडी में दाद नामक रोग हो जाता है जो काफी परेशान दोस्तों हम सभी को करता है। ठीक है, सही आंसर यहां पे होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि देखिए, नया साल आ गया है, पुराना साल बीत गया है, तो हम सभी के जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो दोस्तों हमको पीड़ा देती हैं। तो ये साल खत्म हो गया है, तो उन पीड़ाओं को खत्म करने का समय दोस्तों आ गया है। उन सभी बातों को भूल जाइए जो आपके जीवन में बुरी हुई है या जो चीजें खराब हुई हैं उनको भूल जाइए, और नए साल में दोस्तों नए ऊर्जाओं के साथ नई शुरुआत कीजिए। बिल्कुल अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए, बिल्कुल अपने आप को नया कर लीजिए दोस्तों, और नई सोच के साथ नई तैयारी शुरू कीजिए और दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़िए। पुराना साल बीत गया तो पुरानी बातों को भी दोस्तों भुला दीजिए, और अपने सभी के साथ, अपने आस पड़ोस में दोस्तों अपनी सारी बातें अच्छी कर लीजिए। नए साल में दोस्तों सबसे बड़ी सौगात आपके लिए यही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज, एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य दोस्तों कौन होता है? एल्काइन का सबसे पहला दोस्तों सदस्य कौन होता है? श्री जी, बेरोजगारी भी बहुत जल्दी दूर होगी और बहुत जल्दी आपका एग्जाम क्लियर होगा। बहुत बढ़िया अनिल जी, बिल्कुल सही काम किया आपने। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा है, इथीन इज द राइट आंसर। इथीन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, हम सभी को मालूम है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ये दोस्तों तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे। ये एल्केन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है, और ये हमारा एल्काइन का फॉर्मूला दोस्तों होता है। इन्हीं के द्वारा हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन सीरीज के यौगिकों का पता लगाते हैं। अब अगर दोस्तों पहले की बात करें तो पहले एल्काइन में अगर N=1 रखेंगे दोस्तों तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं, इसलिए दोस्तों यहां पर इथीन सही आंसर होगा। ठीक है, जब यहां पर 2 रखेंगे तो हमारा दोस्तों C2H2 निकल के आएगा और यही दोस्तों सही कंपाउंड बनेगा। 1 रखने पर यहां पर कंपाउंड बनेगा ही नहीं, अगर N=1 रखेंगे तो यहां पर H=2 दोस्तों 0 हो जाएगा और केवल कार्बन के साथ दोस्तों कोई भी कंपाउंड बनेगा ही नहीं, इसलिए पहला कंपाउंड यहां पर N=2 पर बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए यहां पर इथीन नामक सही हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड, निम्न में से कौन सा दोस्तों एल्डिहाइड है ये बताइए मुझे, निम्न में से कौन सा एक एल्डिहाइड है? क्या प्रोपेनल है, प्रोपेनॉल है, प्रोपीन है या फिर प्रोपेनोन है? राशिद खान जी, चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोपेनल, प्रोपेनल दोस्तों सही आंसर है। हम सभी को मालूम है एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो दोस्तों अल होता है। हम सभी को मालूम है एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो अल होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो ऑल होता है ये एल्कोहल का होता है, जो ऑल होता है ये किसका होता है, ये एल्कोहल का होता है, हम सभी को मालूम है ना। और दोस्तों इन तो मालूम ही है, इथीन का होता है, और ओन जो है ये कीटोन का होता है दोस्तों। ठीक है ना, जो ओन होता है वो किसका होता है, कीटोन का होता है। तो पहला आंसर यहां पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ पोटेशियम एसिटेट, निम्न में से कौन सा लवण ऐसा है जो पोटेशियम एसिटेट के वर्ग से संबंधित है? पोटेशियम एसिटेट के दोस्तों वर्ग में कौन सा इनमें से होता है ये मुझे बताइए। पोटेशियम एसिटेट के दोस्तों वर्ग में कौन सा आता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, तेजी से मुझे बताइए इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर यहां पे दे दिया है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये देखिए जो अपना ग्रुप निकल के आएगा वो दोस्तों पोटेशियम कार्बोनेट निकल के आएगा, यही दोस्तों पोटेशियम एसीटेट के वर्ग से मिलता है, यानी एसीटेट के वर्ग में दोस्तों ये पाया जाता है। ठीक है ना, तो पोटेशियम कार्बोनेट यहां पर दोस्तों अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, निम्न में से कौन एक उत्कृष्ट गैस दोस्तों नहीं है? निम्न में से कौन ऐसा है जो एक उत्कृष्ट गैस दोस्तों नहीं है? क्या वो हीलियम है, ज़ेनॉन है, रेडियम है या फिर दोस्तों नियॉन है?
कौन इनमें से ऐसा है जो उत्कृष्ट गैस दोस्तों नहीं है? रमीज जी, रहमान जी, बिल्कुल बिल्कुल, राशिद खान जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही आंसर है यहां पर रेडियम, सही आंसर यहां पर दोस्तों रेडियम है। यही एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, बल्कि रेडियम को बनाने से, देखिए जब पिच ब्लेंड से, याद करिए, जब पिच ब्लेंड से रेडियम निकाला जाता है, मेरी बात को ध्यान रखना, जब पिच ब्लेंड से रेडियम को निकाला जाता है तब यहां पर दोस्तों एक गैस निकलती है, वो होती है रेडॉन। और रेडॉन एक अक्रिय गैस होती है, ठीक है, रेडियम अक्रिय गैस नहीं होती है, रेडॉन यहां पर एक अक्रिय गैस होती है, ठीक है ना। तो नियॉन के बारे में जानते हैं, नियॉन येल्लो लाइट की होती है, नियॉन की जो लाइट होती है वो येलो लाइट होती है, येलो कलर का इसका लाइट होता है, रिफ्लेक्टर लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। ज़ीनॉन की बात करें तो ज़ीनॉन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, रहस्यमयी गैस कहते हैं, ठीक है। उसका रीजन भी है, उसका रीजन भी है, रीजन ये है कि इसके बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं, जबकि अपनी अक्रिय गैस है, उसके बाद भी दोस्तों इस ज़ीनॉन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं और इसीलिए इसे जो है वो रहस्यमयी गैस कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क द वॉटर हार्ड, निम्न में से क्या पानी को कठोर बना देता है, निम्न में से क्या दोस्तों पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार है, पानी की कठोरता के लिए निम्न में से क्या चीज दोस्तों जिम्मेदार है, बताएंगे मुझे तेजी से, निम्न में से क्या चीज पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर सभी का आ रहा है। चलिए चलिए, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कैल्शियम लवण और मैग्नीशियम लवण, ये दोनों ही दोस्तों पानी की कठोरता के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट दोनों ही पानी को दोस्तों कठोर बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन द डाइट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आहार में निम्न में से क्या चीज जरूरी है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आ गया है, क्या चीज जरूरी है थायराइड ग्रंथि की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आहार में क्या होना आवश्यक है। जैनेन्द्र कुमार जी, सपना चौहान जी, अनुज कुमार सिंह जी, प्रत्युष जी, रवि कुमार जी, सभी लोग बताइए। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही आंसर है, आयोडीन इज द राइट आंसर, आयोडीन यहां पर बिल्कुल सही आंसर आ गया है, बहुत सुंदर। आयोडीन की कमी से ही दोस्तों थायराइड ग्रंथि हमारी जो है वो बड़ी हो जाती है और घेंगा नामक रोग दोस्तों हो जाता है, ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो रहा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग दोस्तों हो रहा है, क्या रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है, या फिर दोस्तों पेलाग्रा होता है, कौन सा रोग यहां पर ऐसा है जो विटामिन ए की कमी से होता है। विमल शर्मा जी, लखन जी, राजू जी, अमित कुमार जी, विक्रम सिंह जी, सभी लोग बताइए इसका आंसर। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों है, रतौंधी यहां पर सही आंसर दिया है। बिल्कुल, रिकेट्स के बारे में मालूम है, विटामिन डी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, और पेलाग्रा जो है ये विटामिन बी थ्री से होता है दोस्तों। तो रतौंधी केवल बचा जो विटामिन ए की कमी से यहां पर हो जाता है, रात में ना दिखना, यही दोस्तों रतौंधी होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी होती है, मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी होती है, क्या यकृत होती है, वो अग्न्याशय होती है, थायराइड होती है, या फिर दोस्तों पीनल होती है। श्रद्धा कुमारी जी, बिल्कुल आपने सही पहचाना, बिल्कुल आप पहचान गई, आप समझ गई, बिल्कुल सही कहा आपने, यही क्वेश्चन एग्जाम में बनने। विमल शर्मा जी, चलिए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, अग्न्याशय, पेनक्रियास इज द राइट आंसर, पेनक्रियास यहां पर बिल्कुल सही आंसर दोस्तों दे दिया है, बिल्कुल सही। चलिए 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 आगे बढ़ जाइए, मानव हृदय में दोस्तों कक्ष पूछे गए हैं, ह्यूमन हार्ट में कितने कक्ष होते हैं ये बताइए तेजी से, मानव हृदय में दोस्तों कितने कक्ष होते हैं, यह सीधा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं,
जल्दी से बताइए, सीधा आंसर है, सीधा क्वेश्चन है, तेजी से बताइए। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तेजी से दोस्तों करेंगे क्वेश्चंस को, तेजी से करेंगे। बिल्कुल सही आंसर है, चार कक्ष होते हैं। हम सभी को मालूम है मानव हृदय में दोस्तों कुल मिला के चार कक्ष होते हैं। ऊपर वाला जो होता है ये अलिंद होता है, ऑर्ट्रियम होता है, और नीचे वाला जो होता है दोस्तों निलय होता है। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी क्या होता है, अलिंद होता है, और नीचे वाला क्या होता है, निलय होता है। ठीक है ना, इस प्रकार ये चार दोस्तों पार्ट होते हैं अपने हृदय में, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ कास्टिक सोडा? कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है? तेजी से बताइए, कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होगा? 5, 14, 12 या 11? कास्टिक सोडा का यहां पीएच मान क्या होगा? श्रद्धा कुमारी जी, मैं आपको यहां यूट्यूब पर मिलूंगा, यहां यूट्यूब पर ही मेरे लेक्चर्स होते हैं। आदित्य राजपूत जी, अनिल बराला जी, चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कास्टिक सोडा का यहां पूछा गया है पीएच मान दोस्तों 14 होता है। इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये जो कास्टिक सोडा है। अगर इसकी बात हम लोग करें दोस्तों, ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आप देख लीजिए इसका पीएच वैल्यू जो है वो दोस्तों बहुत क्या है, 14 है 14। इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दोस्तों होता है कास्टिक सोडा, NaOH दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। और इसी के जैसे एक और होता है, वो होता है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, ठीक है, ये होता है दोस्तों KOH, कास्टिक पोटास, ठीक है, ये क्या होता है, KOH होता है। ये भी आप याद करिए, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, माइक्रोजिया इज एग्जांपल ऑफ कवक मूल दोस्तों किसका एग्जांपल है? कवक मूल यहां पर दोस्तों किसका एग्जांपल है? क्या फंगिटाइसिस का है, म्यूटलिज्म का है, एम्ब्लाइज्म का है, या फिर एंटीबायोसिस का है? किसका दोस्तों एग्जांपल है कवक मूल यानी माइक्रोजिया? चलिए चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आया है, बहुत ही बढ़िया। अमित कुमार जी, माली जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। दीप कौर जी, चलिए सही आंसर यहां पे आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, म्यूटलिज्म यानी सहोपकारिता, इसी का एग्जांपल है यहां पर दोस्तों कवक मूल यानी माइक्रोजिया, बिल्कुल सही। चलिए चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ मोर, 1 मोल ऑफ वॉटर? 1 मोल पानी का द्रव्यमान कितना होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अब आ गया आपके सामने। अब मुझे बताइए 1 मोल पानी का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? विक्रम सिंह जी, अनुज कुमार सिंह जी, रॉकी कुमार जी, गौरव जी, सभी लोग बताइए 1 मोल पानी का द्रव्यमान कितना होगा? अनुज कुमार सिंह जी, प्रत्युष जी, सपना चौहान जी, चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यहां पे आंसर है 18 ग्राम दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैं आपको बता दूं कि 1 मोल का मतलब होता है दोस्तों कि वो मात्रा जिसमें 6.023 × 10²³ अणु हो जाएं, ठीक है, 1 मोल का मतलब होता है इतने कण, समझ गए ना मेरी बात? अगर आप 1 मोल पानी की बात कर रहे हैं तो पानी के इतने कण जितने द्रव्यमान में होंगे वही दोस्तों पानी का द्रव्यमान हो जाएगा। अब पानी की बात करें दोस्तों तो ये चीज होती है, ये अणुग्राम में होती है, ठीक है, पानी का जो अणुभार होता है दोस्तों यहां पर वो 18 निकल के आता है, जो पानी का मॉलिकुलर वेट होता है, जो अणुभार होता है, ठीक है ना, तो वो कितना होता है दोस्तों, वो हमारा 18 दोस्तों यहां पर निकल के आता है, ठीक है ना, और इसीलिए दोस्तों 18 ग्राम में 1 मोल दोस्तों पाए जाएंगे। ये संख्या हमें एवोगैड्रो ने दी थी दोस्तों, ये अभी याद कर लें, एवोगैड्रो नंबर ही दोस्तों इसे कहा जाता है, एवोगैड्रो नामक साइंटिस्ट ने दोस्तों ये संख्या निकाल के हमको दी थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सोप्स आर फॉर्म्ड बाय सेपोनिफिकेशन ऑफ, यानी साबुन जो है दोस्तों ये किसके सेपोनिफिकेशन द्वारा बनाया जाएगा? साबुन जो है वो किसके सेपोनिफिकेशन द्वारा दोस्तों बनाया जाता है? क्या अल्कोहल के सेपोनिफिकेशन द्वारा, ग्लाइकोसिड के, सिंपल एस्टर के, या कार्बोलिक एसिड के? किसके सेपोनिफिकेशन द्वारा दोस्तों साबुन को बनाया जाता है? रिंकी कुमारी जी, मुझे बताइए इसका आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्षितिज जी, रवि कुमार जी, सभी का जोश मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है दोस्तों सिंपल एस्टर। सिंपल एस्टर जो होते हैं हमारे, साधारण जो एस्टर होते हैं, इन्हीं के सेपोनिफिकेशन दोस्तों हमारे जो साबुन है वो बनाए जाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन विच ऑफ दीज एसोसिएटेड विद कलर विजन, निम्न में से कौन दोस्तों रंग दृष्टि से संबंधित है, हमारी आंख में निम्न में कौन है जो रंगों की पहचान यानी रंग जो दृष्टि है उससे संबंधित है, क्या आयरिस है, वो रोड्स है, कौन से है, या फिर दोस्तों ऑप्टिक डिस्क है, कौन ऐसा है यहां पर जो रंग दृष्टि से यानी कलर विजन से दोस्तों संबंधित है। चलिए राशिद खान जी, यश वर्मा जी, ठीक है, विक्रम सिंह जी, बहुत बढ़िया। चलिए सही आंसर यहां पे आ गया दोस्तों, कोन्स जो होते हैं, शंकु जो होते हैं, यही दोस्तों रंग दृष्टि से यहां पर संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार। बढ़िए दोस्तों आगे, एड्स इज कॉज्ड बाय, जो एड्स है दोस्तों ये किस कारण से होता है, क्या प्रोटोजोआ के कारण से, क्या फंगाई के कारण से, वायरस के कारण से, या फिर दोस्तों बैक्टीरिया के कारण से होता है, किस कारण से दोस्तों ये एड्स नामक बीमारी हो जाती है, इसका मुझे आंसर दीजिए। एड्स नामक जो बीमारी है ये किस वजह से होती है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। हम सभी को मालूम है वायरस से होती है और वायरस का नाम भी मालूम है दोस्तों, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका नाम होता है दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम होता है, हम सभी को मालूम है। एड्स की फुल फॉर्म भी दोस्तों हमको मालूम है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, और HIV की फुल फॉर्म भी आपको मालूम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो एक प्रकार का दोस्तों वायरस ही है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को खराब कर देता है, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को खराब कर देता है, ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड दोस्तों क्या होते हैं, रोडेंटिसाइड की बात करें तो रोडेंटिसाइड क्या होते हैं ये मुझे बताइए, तेजी से इसका आंसर दीजिए, रोडेंटिसाइड दोस्तों क्या होते हैं, क्या कीड़े मारने की दवा होती है, जानवरों को मारने की दवा होती है, लुब्रिकेंट होता है, या फिर कीटनाशक होता है। बिल्कुल आदित्य राजपूत जी सही, आपने फुल फॉर्म बताई है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस नहीं, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म है ये, ठीक है। चलिए सही आंसर दोस्तों आ गया है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, जानवरों को मारने की दवा होती है रोडेंटिसाइड, हम सभी को मालूम है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी किंगडम, जीवों को कितने जगत में दोस्तों विभाजित किया गया है, जल्दी से बताइए। शाहरुख जी आपका नाम तो एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया लेती है, भारत ही नहीं विदेशों में भी ये नाम फेमस है, ठीक है। तो शाहरुख जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है और बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, बिल्कुल चिंता मत करिए शाहरुख जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है, पांच होते हैं दोस्तों, पांच जगत में ही विभाजित किया गया है, सही आंसर सभी ने दे दिया है। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दोस्तों क्या शामिल होता है, क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सभी अंग शामिल होते हैं, क्या मस्तिष्क शामिल होता है, मेरुदंड शामिल होता है, या फिर दोस्तों मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। चलिए चलिए बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर चार यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही होगा, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन, यानी मृदा में जल तनाव को नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, मृदा में जल तनाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है, क्या इसे फोटोमीटर कहते हैं, क्या इसे पायरोमीटर कहते हैं, क्या इसे साइक्रोमीटर कहते हैं, या टेंशियोमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों मुझे इसका आंसर आप लोग दीजिए। मृदा में तनाव को नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है इस यंत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है, जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया सभी का आंसर यहां पर आ रहा है। चलिए चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया
बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आ गया दोस्तों, तनाव मापी, टेंशियोमीटर इज द राइट आंसर, टेंशियोमीटर ही दोस्तों कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों अगर साइक्रोमीटर की बात करें तो साइक्रोमीटर के द्वारा दोस्तों जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, इसको नापा जाता है। और इसके लिए एक और यंत्र होता है, वो होता है दोस्तों हाइग्रोमीटर, हम सभी को मालूम है, हाइग्रोमीटर से भी ह्यूमिडिटी को ही नापा जाता है और साइक्रोमीटर से भी दोस्तों ह्यूमिडिटी को नापा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों जो पायरोमीटर होता है इससे टेम्परेचर नापा जाता है दूर की वस्तुओं को बिना छुए, ठीक है, मीजरिंग टेम्परेचर, मीजर टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, विदाउट टच, बिना छुए किसी का भी दोस्तों टेम्परेचर ये पायरोमीटर बताता है। और मेनली इसका यूज दोस्तों सन है ना, सन या स्टार या फिर प्लैनेट्स, ऐसी चीजों के दोस्तों टेम्परेचर पता करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का ही दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है। अब जल्दी से मुझे बताइए फोटोमीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फोटोमीटर जो होता है इसका इस्तेमाल दोस्तों क्यों किया जाता है, मुझे बताइए फोटोमीटर का इस्तेमाल दोस्तों क्यों करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्टिकल बिल्कुल ब्राइटनेस को, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्टिकल ब्राइटनेस है ना, प्रकाशिक जो ब्राइटनेस है, ऑप्टिकल जो ब्राइटनेस है, ठीक है, इसी को दोस्तों देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं फोटोमीटर का, ठीक है ना, सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों फोर। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच क्रॉप ग्रोज बेस्ट ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल एसिड सॉइल ऑन द हाईलैंड्स, यानी पर्वतों पर अच्छी तरीके से सूखी उपजाऊ अम्लीय मिट्टी पर कौन सी फसल दोस्तों सबसे अच्छे प्रकार से होती है, कौन सी फसल सबसे अच्छे प्रकार से होती है ये बता दीजिए, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी के यहां पे मुझे कमेंट मिल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ रहा है दोस्तों, टी यहां पे सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, पर्वतों की अम्लीय मिट्टी पर दोस्तों चाय की खेती ही सबसे सही प्रकार से होती है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोस्ट एसिडिक अमंग देम ऑल, निम्न में से कौन सा घोल सभी में सबसे अधिक दोस्तों अम्लीय है, सबसे अधिक अम्लीय कौन सा घोल होगा, ऐसा घोल जिसका पीएच मान जीरो हो, जिसका पीएच मान एक हो, छह हो या सात हो, कौन सा घोल यहां पे सबसे अधिक अम्लीय होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। सीमा यादव जी, जुबैर अंसारी जी, धर्मेंद्र जी, अनुज कुमार जी, नीतीश कुमार जी, अनिल बराला जी, जल्दी से बताइए, अनिल बराला जी, देखिए अनिल बराला जी के दिमाग में कुछ ऐसे करंट वाले तार दौड़ते रहते हैं, ठीक है, जो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। अनिल बराला जी कह रहे हैं कि अपनी क्लास में तांत्या बिच्छू आ गया है। अनिल बराला जी, उसको तो उस मूवी में ही भस्म कर दिया गया था, वो मंत्र आप सभी को याद होगा जिसने वो मूवी देखी है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मूवी का नाम भी मैं बताऊंगा आपको, खिलौना बना खलनायक, ठीक है, खिलौना बना खलनायक मूवी का वो विलेन था तांत्या बिच्छू, जिसको मूवी में ही भस्म कर दिया गया था। तो बिल्कुल भी अनिल बराला जी डरने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई तांत्या बिच्छू नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही आंसर दोस्तों यहां पर पीएच मान जीरो वाला, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिलेगा इस लेक्चर का, और साथ में तमाम अन्य पीडीएफ फाइल भी मिल जाएंगे, साथ में लेटेस्ट एग्जाम की जानकारियां भी दोस्तों मिलेंगी, ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम की जानकारियां भी आपको यहां मिलेंगी, और अपने सभी डाउट दोस्तों मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं आप। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, @shubhamsir_testbook टेलीग्राम पर जाकर इसको सर्च करिए और दोस्तों इसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि टेस्ट बुक का पास दोस्तों जरूर आप लोग ले लीजिए, परचेस कर लीजिए, क्योंकि तैयारी के लिए दोस्तों अभ्यास बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 26,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट यहां पर मिल रहे हैं, जो 400 से भी ज्यादा एग्जाम में दोस्तों काम में आने वाले हैं, तो इस टेस्ट बुक पास को जरूर खरीदिए, साथ में कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, SUAPASS, इस कोड का इस्तेमाल दोस्तों आप करके 30% का सीधे सीधे डिस्काउंट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़िया आगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड इन द लाइटर, निम्न में से कौन सा ईंधन है जो लाइटर में प्रयोग किया जाएगा। जिंदगी जी, जिंदगी बदलनी है 2022 में, याद रखिए, वंश शर्मा जी,
बिल्कुल, सपना चौहान जी, मंजूर जी, अनुज कुमार जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेन, बिल्कुल सही। अनिल बराला जी, सचेत मत रहिए, लेकिन वो जो मंत्र था वो मंत्र बस याद रखिए, ठीक है? वो मंत्र याद रखेंगे तो अगर तांते बिच्छू आ भी जाएगा तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, कलर ऑफ द प्लांट इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये दोस्तों बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पौधों का रंग दोस्तों हरा किस वजह से होता है? चलिए चलिए, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, यहां पे आंसर आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ गया है, क्लोरोफिल इज द राइट आंसर। क्लोरोफिल यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। निम्न में से कौन सा धातु दोस्तों कमरे के तापमान में तरल रहता है? सही आंसर इसका दीजिए। कौन सा इनमें से ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर दोस्तों क्या रहता है? तरल रहता है, यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्या वो दोस्तों IR है, HF है, HD है या फिर HO है? बहुत बढ़िया अनुज कुमार सिंह जी। चलिए सही आंसर दोस्तों यहां पे है HD, यानी पारा। हम सभी को मालूम है पारा ही वो धातु है जो दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर पर तरल रहता है, बाकी सारे दोस्तों ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाइए। विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज नोन एज द ड्राई आइस। यानी कौन सी ऐसी गैस है जो अपनी दोस्तों ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है, यानी ठोस आइस के रूप में दोस्तों जानी जाती है। ऐसी कौन सी दोस्तों गैस होती है जिसे हम लोग ठोस बर्फ यानी शुष्क आइस के रूप में जानते हैं, यानी जो है ड्राई आइस के रूप में जानते हैं? तेजी से बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही आंसर यहां पे सभी ने दे दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द ग्लूकोमा। यानी मानव शरीर का दोस्तों कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है, मुझे बताइए तेजी से। कौन सा अंग दोस्तों ग्लूकोमा से प्रभावित रहता है? लिवर, ईयर्स, किडनी या आईज? ग्लूकोमा नामक बीमारी दोस्तों कौन से अंग में होती है? कुणाल सिंह जी, संगीता जी, नरेंद्र सिंह जी। चलिए बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, आईज में ही होती है, आंखों में ही दोस्तों ग्लूकोमा नामक रोग हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई। कौन सा एकमात्र स्तनपाई है जो उड़ सकता है? स्तनपाई अकेला ऐसा कौन सा है जो उड़ सकता है? क्या वो उड़ती हुई गिलहरियां हैं, क्या उड़ते हुए बंदर हैं, क्या उड़ते हुए कब्जे हैं, या फिर दोस्तों चमगादड़ हैं? कौन से स्तनपाई दोस्तों हवा में उड़ सकते हैं? चलिए सभी आंसर दे रहे हैं अब्दुल कादिर जी। चमगादड़ों को तो हम भूल नहीं सकते, है ना? नीतीश कुमार जी, अजय कुमार जी, सही कह रहा हूं ना मैं? विमल शर्मा जी, चमगादड़ों को तो हम कभी भूलेंगे नहीं, और खास करके 2019, 20, 21 ये 3 साल जो हमारे हैं ये तो दोस्तों चमगादड़ों ने ही जो है वो बर्बाद कर दिए थे, है ना? चमगादड़ों ने ही दोस्तों पूरी तरीके से बर्बाद करे हुए हैं, चमगादड़ों को तो हम कभी भूल नहीं सकते। चलिए सही आंसर दोस्तों यहां पर दिया है, चमगादड़, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैव द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर। निम्न में से किस भाग में दोस्तों सबसे अधिक रक्तचाप होता है, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर दोस्तों कौन से भाग में होता है? क्या आर्टरीज में होता है, ऑरिकल्स में होता है, वेन्स में होता है, या फिर कैपिलरीज में होता है? जी अमित कुमार जी बिल्कुल, चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही। आकाश हल्दर जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सही आंसर यहां पे दे दिया दोस्तों, धमनियों में, आर्टरीज में दोस्तों सबसे अधिक रक्तचाप होता है, बिल्कुल सही आंसर है आर्टरीज, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए दोस्तों। ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आईबॉल लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली। यानी नेत्र गोलक के संकुचन के कारण एक दूरदर्शी आंख केवल क्या देख सकती है? ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट आया है, मुझे इसका आंसर चाहिए तेजी से। नेत्र बॉल में संकुचन के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण एक लॉन्ग साइटेड आई जो होती है, दूरदर्शी आंख जो होती है, वो दोस्तों क्या देख सकती है? बताएंगे मुझे तेजी से इसका आंसर, क्या देख सकती है वो? रमेश जी, मोहम्मद मंजूर जी,
चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही आंसर है। दूर की वस्तुएं जो उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक हो जाती हैं वही दोस्तों देख सकती हैं दूर तक, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। चलिए आगे बढ़ जाइए, विच अमंग द फॉलोइंग लॉएस कंटेन्स द निकिल, निम्नलिखित में से किस मिश्रित धातु में निकिल है दोस्तों, इनमें से कौन सी मिश्रित धातु में दोस्तों निकिल होती है, जर्मन सिल्वर में, ब्रास में, गन मेटल में या फिर सोल्डर में, किसमें दोस्तों यहां पर जो है वो निकिल पाई जाती है, बताएं मुझे तेजी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलिए बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, चलिए चलिए बिल्कुल सही आंसर यहां पे दे रहे हैं, जर्मन सिल्वर में ही दोस्तों यहां पर क्या होता है निकिल पाई जाती है। तो मैं एक बार आपको सबको बता देता हूं, देखिए ब्रास, कांसा बता देता हूं, गन मेटल एक बार आपको बताता हूं। देखिए गन मेटल की अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा होता है दोस्तों कॉपर, जो कि 88% लगभग होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मिला हुआ होता है दोस्तों यहां पर टिन, ठीक है, टिन यहां पर मिला हुआ होता है, और साथ में दोस्तों यहां पर जो होता है वो जिंक मिला होता है, ठीक है। इस तरह की चीजें दोस्तों यहां पर गन मेटल में होती हैं। अगर सोल्डर की यहां पर बात करेंगे दोस्तों तो सोल्डर में केवल लेड और टिन दोस्तों दो चीजें यहां पर मिली हुई होती हैं, ठीक है, लेड और टिन दोस्तों यहां पर जो है वो दो चीजें जो है वो यहां पर दोस्तों मिली हुई होती हैं हमारी सोल्डर में, ठीक है ना। इसी प्रकार मुझे आप बताइए कि ब्रास में क्या होता है दोस्तों, ब्रास में यानी कांसे में क्या होता है, कांसे में दोस्तों क्या होता है, ब्रास मुझे बताइए, ब्रास जो होता है, कांसा जो होता है, इसमें क्या क्या होता है। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही बताया आपने, ब्रास जो होता है, बिल्कुल सही, ब्रास जो होता है इसमें दोस्तों कॉपर और जिंक होता है, याद कर लीजिए, ठीक है, कॉपर और जिंक, ठीक है ना, कॉपर और जिंक। यहीं पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर ब्रास कहीं लिखा होगा तो ब्रास में होता है कॉपर और जिंक, लेकिन दोस्तों अगर ब्रॉन्ज लिखा होगा तो ब्रॉन्ज में होता है कॉपर और टिन, याद कर लीजिए, अगर कहीं पर ब्रॉन्ज लिखा होगा तो ब्रॉन्ज में दोस्तों होता है कॉपर और टिन, कॉपर प्लस टिन, ठीक है, याद करिए, अगर ब्रास कहीं लिखा होगा तो ब्रास में दोस्तों लिखा होता है कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज में दोस्तों क्या होता है कॉपर और टिन होता है दोस्तों। ये आप लोग बहुत जरूरी है जो यहां पर याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों अगर जर्मन सिल्वर की बात करेंगे, अगर हम लोग यहां पर जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर को बताइए दोस्तों क्या होता है जर्मन सिल्वर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉपर जिंक और निकल, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जर्मन सिल्वर की बात करें तो यहां पर दोस्तों कॉपर, ठीक है, जिंक और निकल, ये तीन चीजें दोस्तों यहां पर हमारी जर्मन सिल्वर में पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग ये सारी चीजें याद कर लीजिए, ये सारी चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, गुर्दे की पथरी के निर्माण के लिए इनमें से कौन दोस्तों जिम्मेदार होता है, सोडियम क्लोराइड, सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्सीडेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, गुर्दे की पथरी के लिए कौन जिम्मेदार होता है। चलिए बिल्कुल सही आंसर सभी का आ रहा है, बहुत सुंदर, सही आंसर यहां पर दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीडेट है, बहुत ही बढ़िया अजय कुमार जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है, कैल्शियम ऑक्सलेट यहां पर सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते तेजी से दोस्तों, और रोटामीटर इज डिवाइस यूज फॉर मीजर, रोटा मापी दोस्तों क्या नापने के लिए उपयोग किया जाता है, रोटा मापी के बारे में बताइए, रोटा मापी क्या नापने के लिए उपयोग दोस्तों किया जाता है। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों आंसर यहां पे आ गया। रोटा मापी की बात करें तो बंद ट्यूब में द्रव का आयतनी जो प्रवाह होता है यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूड होता है दोस्तों, उसी को यहां पर नापने काम में आता है रोटा मापी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन दोस्तों। बढ़िया दोस्तों आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, निम्न में से किसका उपयोग उच्च तापमान माप के लिए किया जाता है, उच्च तापमान दोस्तों किसके द्वारा नापा जाता है, पायरोमीटर के द्वारा, वेपर थर्मामीटर के द्वारा, एनर्जी मीटर के द्वारा या रेजिस्टेंस थर्मामीटर के द्वारा, उच्च तापमान किसके द्वारा नापते हैं। अब्दुल कादिर जी, जुबैर अंसारी जी, सभी लोग बताइए, ओमपाल जी, दीप कौर जी, आशु कुमार जी, चलिए बिल्कुल सही, मोहम्मद मंजूर जी, अनिल बराला जी, शैलेश जी, कवि शंकर जी, चलो भैया सही आंसर दे दिया है यहां पर, उत्ताप मापी यानी पायरोमीटर इज द राइट आंसर, पायरोमीटर ही दोस्तों यहां पर सही आंसर है। मिनिमम टेम्परेचर दोस्तों जो होता है वो 800 डिग्री होता है जो इसके द्वारा नापा जाता है, यानी ये जो पायरोमीटर है ये 800 डिग्री से नीचे के तापमान को तो नाप ही नहीं पाएगा,
मिनिमम टेम्परेचर जो है दोस्तों वो 800 डिग्री होता है, जिसको पायरोमीटर नाप पाता है। इससे ऊपर के तापमान को नापेगा, इससे नीचे के तापमान को दोस्तों ये नहीं नाप पाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सेफ्रोफाइट, निम्न में से कौन एक मृतजीवी है दोस्तों? शैवाल क्या मृतजीवी है, फंगाई मृतजीवी है, फंगस मृतजीवी है, या फिर दोस्तों प्रोटोजोआ जो है वो मृतजीवी है? कौन से इनमें से दोस्तों मृतजीवी होते हैं? जुबैर अंसारी जी तेजी से बताइए, जफर खान जी, राजपाल सर जी, अब्दुल कादर जी, गौरव कोरी जी, सतीश कुमार जी। चलो भाई बिल्कुल सही आंसर है, फंगाई इज द राइट आंसर। कवक दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, फंगाई यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। मृतजीवी का उदाहरण यहां पर फंगाई, कवक। चलिए आगे बढ़ जाइए। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट एनोड ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरनेस, यानी आयरन के क्षरण के दौरान एनोड पर होने वाली दोस्तों प्रतिक्रिया कौन सी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है। एनोड पर होने वाली प्रतिक्रिया कौन सी होती है आयरन के कोरोजन के दौरान? दोस्तों जब कोरोजन होता है आयरन का तो एनोड पर दोस्तों कौन सी क्रिया होती है? बहुत सुंदर मुकेश ऋषि जी, चलिए सही आंसर यहां पे आया है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। Fe जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दोस्तों Fe2+ आयन में चेंज हो जाता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़िया आगे दोस्तों। विच सेंसरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज पिन्ना एट इट्स पार्ट्स, यानी मानव शरीर के किस संवेदी अंग में दोस्तों पिन्ना नामक चीज पाई जाती है? किस संवेदी अंग में पिन्ना नामक चीज दोस्तों पाई जाती है? इसका आंसर मुझे दीजिए। पिन्ना नामक चीज दोस्तों कहां पाई जाती है? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, सही आंसर है दोस्तों कान, बिल्कुल सही, कानों में ही पाई जाती है पिन्ना, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़िए तेजी से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एमाइलेज इज सेक्रेटेड इनटू, किस में दोस्तों एमाइलेज स्रावित होता है? निम्न में से किस में एमाइलेज दोस्तों स्रावित होता है? क्या अग्न्याशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, या पेट में होता है? कहां पर दोस्तों एमाइलेज होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ गया है, बहुत सुंदर दोस्तों, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही दोस्तों एमाइलेज जो है वो स्रावित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। विच हॉर्मोन्स मेंटेन्स द वाटर लेवल ऑफ द बॉडी, निम्न में से कौन सा हॉर्मोन शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखता है? निम्न में से कौन सा हॉर्मोन ऐसा है जो शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखता है? क्या वो STH है, TSH है, ADH है, या फिर दोस्तों ACTH? पानी के स्तर को बनाए रखने वाला कौन सा हॉर्मोन होता है? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बताएंगे तेजी से, जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज्यादा। पानी के स्तर को बनाए रखने वाला कौन सा हार्मोन है? चलिए सही आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर है ADH। ADH दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, एंटी डाइयूरेटिक, एंटी डाइयूरेटिक नाम होता है इसका, देखिए एंटी डाइयूरेटिक यही दोस्तों नाम होता है। ठीक है, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन यही दोस्तों जो है वो पानी की स्तर को बनाए रखता है, सही आंसर यहां पर दे दिया है ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया आगे बढ़ जाइए दोस्तों। प्रकृति में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? हम सभी को मालूम है दोस्तों पूरी प्रकृति में कुल मिला के 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 10 हमारे शरीर में ही होते हैं और बाकी के 10 हमें भोजन से दोस्तों प्राप्त हो जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जगुआर, जगुआर का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? जो जगुआर प्राणी होता है इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों पूछा गया है। सपना चौहान जी, रवि कुमार जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल जगुआर का अगर देखेंगे हम लोग तो नाम हो जाएगा पेंथेराउन का दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है पेंथेराउन का, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मेटालॉइड्स आर नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्न में से कौन से आवर्त में उपधातु मौजूद नहीं है? क्या 1 और 5 में कोई उपधातु नहीं है, 2 और 6 में कोई उपधातु नहीं है, 1 और 7 में नहीं है, या 2 और 7 में नहीं है? सोचिए और बताइए कौन से आवर्त में कोई उपधातु मौजूद नहीं है। जुबैर अंसारी जी, निरंजन जी, राजपाल सर जी, सनमुख जी, नितेश कुमार जी, कुशवाहा राहुल जी, प्रत्युष जी। चलिए पहली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, 1 और 7 आवर्त में कोई भी उपधातु यहां पर मौजूद नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का इसमें सबसे अच्छा सोर्स दोस्तों कौन सा होगा, गैलेक्टोज का यहां पर सबसे अच्छा सोर्स दोस्तों कौन सा होगा, तेजी से बताइए इसका आंसर। गैलेक्टोज का सबसे अच्छा सोर्स दोस्तों कौन सा होगा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, सही आंसर है दोस्तों दूध में ही गैलेक्टोज सबसे ज्यादा पाया जाएगा, सबसे ज्यादा जो गैलेक्टोज पाया जाएगा वो दोस्तों दूध में ही पाया जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है चलें दोस्तों आगे बढ़िए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ शीप, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम दोस्तों पूछा गया है क्या होगा, क्या वो बोस्टोरस है, बिसन बाइसन है, बोविस एरिस है, या फिर दोस्तों विकुग्ना पेकोस है। चलिए सही आंसर दोस्तों आया है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आया है ओबीज एरीज, यही दोस्तों क्या है भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर 3 जिनका आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत सुंदर। चलिए बढ़िया दोस्तों आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, निम्न में से क्या प्रतिरोध का अन्योन है, प्रतिरोध का उल्टा क्या है, प्रतिरोध का रेसिप्रोकल क्या पूछा है, कंडक्टेंस है क्या वो, क्या वो इंडक्टेंस है, इंपीडेंस है, या फिर दोस्तों चार्ज है, प्रतिरोध का उल्टा यहां पर क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, चालकत्व यानी कंडक्टेंस ही दोस्तों यहां पर प्रतिरोध का अन्योन है, सही आंसर यहां पे दिया है, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछी गई है, बताएंगे तेजी से रुपेश कुमार जी, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, क्या वो एग सेल है, मसल सेल है, नर्व सेल है, या फिर दोस्तों बोन सेल है वो। सुंदर 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 दोस्तों, दारा सिंह जी बिल्कुल सुंदर आंसर, बहुत ही सुंदर आंसर है दोस्तों, एग सेल यानी अंड कोशिका बिल्कुल सही आंसर है, एग सेल दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही सुंदर बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, द कलर ऑफ द हेयर इज ड्यू टू, यानी बालों का रंग दोस्तों किसके कारण होता है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, हमारे बालों का जो रंग है उसके लिए कौन सा यहां पर दोस्तों पिगमेंट जिम्मेदार है, पेप्टीन कैरोटीन मेलानिन या फिर केराटिन, कौन सा जिम्मेदार है दोस्तों हमारे बालों के रंग के लिए। विमल शर्मा जी चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, मेलानिन 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 यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए यहां पर मेलानिन सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है मेलानिन यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, यही हमारे त्वचा के रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है, याद कर लीजिए मेलानिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, किसी भी पदार्थ के घनत्व को इस रूप में परिभाषित किया गया है, डेंसिटी दोस्तों क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला यहां पर मुझे पढ़कर बताइए कौन सा सही होगा, जल्दी से इन चारों को पढ़िए और बताइए डेंसिटी का जो परिभाषा है वो इनमें से किस फॉर्मूले को दोस्तों मेंटेन करती है। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए सभी लोग, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मास बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का द्रव्यमान बटे आयतन, बिल्कुल सही आंसर यहां पे दिया है, मास बटे वॉल्यूम, यही घनत्व की परिभाषा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन के दोस्तों किसके लिए प्रयोग होता है, विटामिन के जो है वो यहां पर किसके लिए प्रयोग होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरक्यूलिन के लिए, एक्टिवेशन ऑफ थ्योरिन के लिए, या फिर फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिनोजन के लिए, या फिर दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन के लिए, विटामिन के दोस्तों किसका निर्माण करता है, बताएंगे तेजी से शांत यादव जी, चलिए वर्मा वर्मा जी, अब्दुल कादिर जी, दारा सिंह जी, संजू जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर यहां पे दिया दोस्तों, थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण के लिए। देखिए अब यहां पर एक बात समझिए, चाहे वो थ्रोम्बोप्लास्टिन हो या प्रोथ्रोम्बिन हो दोस्तों, ये सभी लोग लगभग लगभग एक ही काम करते हैं, तो इनके निर्माण के लिए विटामिन के दोस्तों पाया जाता है, विटामिन के का यूज होता है। अब यहां पर समझिए, अगर विटामिन के अगर कम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इन प्रोटीन्स का जो ये प्रोथ्रोम्बिन है या ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इन सब का दोस्तों निर्माण भी कम हो जाएगा। ठीक है, जब इनका निर्माण कम हो जाएगा तो ब्लड की क्लॉटिंग भी दोस्तों मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में ही दोस्तों काम में आता है, और ब्लड क्लॉटिंग दोस्तों फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन के जो है, ठीक है, विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग की रेट को दोस्तों कंट्रोल कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो रेट है, रेट,
ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग रेट को दोस्तों क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक है ना। विटामिन के अधिक होगा तो ब्लड क्लॉटिंग का रेट भी दोस्तों ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, यानी कौन सी बीमारी पानी के दूषित होने पर दोस्तों हो जाती है, दूषित पानी के सेवन से कौन सी बीमारी दोस्तों यहां पर हो जाती है, मुझे बताइए तेजी से, कौन सी बीमारी होती है दूषित पानी को दोस्तों पी लेने से। चलिए आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, टाइफाइड इज द राइट आंसर दोस्तों, टाइफाइड इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए मुकेश ऋषि जी, आपका अनुरोध अच्छा है लेकिन आप गलत जगह पे कर रहे हैं, कोई भी मच्छर दोस्तों ये YouTube क्लास देखने नहीं आता, ठीक है ना, और पढ़ तो कोई मच्छर नहीं पाता है, ठीक है। तो आपको अगर अनुरोध करना है तो पहले मच्छरों की भाषा को सीखना पड़ेगा और उसके बाद मच्छरों को दोस्तों ये बात बतानी पड़ेगी। मुकेश ऋषि जी, आपने अच्छा सुझाव दिया है लेकिन सुझाव आपने गलत जगह दे दिया, ठीक है, सही जगह पे सही बात करिए तभी आपको फायदा मिलेगा। और दोस्तों जीवन का भी यही सत्य है, सही जगह पर सही बात करने से ही आपका सम्मान बढ़ेगा और गलत जगह पर सही बात करने से आपका दोस्तों सम्मान नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हमेशा जो बात करनी है वो वही कीजिए जहां उसकी जरूरत है, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ मेटलॉइड, निम्न में से कौन सा युग्म एक उपधातु नहीं है, जल्दी से बताइए अब, कौन सा युग्म ऐसा है जो इनमें से उपधातु नहीं है। बहुत ही बढ़िया सुजीत कुमार जी, दीपक यादव जी, चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर है दोस्तों लेड और बिस्मथ दोस्तों, यही दोस्तों उपधातु नहीं है, बाकी सभी दोस्तों जो हैं वो उपधातु हैं, ठीक है, केवल लेड और बिस्मथ दोस्तों यहां पर उपधातु नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाइए, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, निम्न में से किस तत्व का दोस्तों न्यूनतम गलनांक होता है, गलनांक इनमें से न्यूनतम किसका होता है, मुझे बताइए तेजी से, गलनांक यहां पर न्यूनतम किसका होगा, आर्सेनिक का, पोलोनियम का, जर्मेनियम का या फिर एंटीमनी का। शिव कुमार जी, मिथिलेश पाल जी, प्रियांशी सिंह जी, दारा सिंह जी, चलिए चलिए बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, पोलोनियम इज द राइट आंसर, पोलोनियम का ही गलनांक दोस्तों सबसे कम होता है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये ग्रुप आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम का @shubhamsir_textbook दोस्तों, इसी ग्रुप पर दोस्तों आपको सारी पीडीएफ फाइल मिलेंगी और इसी ग्रुप पर दोस्तों आप सारे के सारे अपने डाउट भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, सभी तरह की पीडीएफ फाइल आपको यहां मिलेंगी और लेटेस्ट एग्जाम की जानकारी भी दोस्तों आपको यहां मिलेगी, जो भी लेटेस्ट एग्जाम होने वाले हैं उन सबकी जानकारी मैं दूंगा। तो इस ग्रुप को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए @shubhamsir_textbook, सर्च कीजिए टेलीग्राम पर और इसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों एक बार फिर से आपको पास के बारे में बता देता हूं कि ये टेक्स्टबुक पास दोस्तों बहुत जरूरी है, इसको लेना, 26,000 से भी ज्यादा यहां पे मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपकी तैयारी में दोस्तों बहुत फायदा करने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में दोस्तों हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों आपको वो पूरे पूरे दोस्तों प्रीवियस ईयर के बेस पर ही मिलेंगे, एग्जैक्टली ट्रेंड आपको वही मिलेगा, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। तो ये दोस्तों टेस्ट पेपर आपको लेना जरूरी है और इसके लिए दोस्तों आप लोग ये कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, SUA, ठीक है, SUAPASS, इस कोड के इस्तेमाल से आपको 30% तक का दोस्तों डिस्काउंट यहां पर मिल सकता है, तो इस कोड को आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द लार्ज कार्निवोरस और द टर्शियरी कंज्यूमर एग्जिस्ट एट विच लेवल ऑफ द फूड चेन, यानी बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता दोस्तों खाद्य श्रृंखला में कौन से स्तर पर होते हैं, जो तृतीयक मांसाहारी होते हैं यानी दोस्तों जो तृतीय होते हैं कार्निवोरस होते हैं, ये कौन से स्तर पर दोस्तों होते हैं, ये यहां पर पूछा गया है, मुझे तेजी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग दीजिए, कहां पर दोस्तों ये होंगे हमारे जो बड़े मांसाहारी हैं, ये मुझे तेजी से बताइए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ गया दोस्तों, चौथे लेवल पर होते हैं, बिल्कुल सही, खाद्य श्रृंखला में चौथे स्तर पर होते हैं हमारे टर्शियरी कार्निवोरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, कैन एन आफ्टर फायरिंग रिक्विल्स ड्यू टू, एक तो फायरिंग के बाद दोस्तों पीछे आता है, इसका कारण क्या होगा, आसान क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, एक तो फायरिंग के बाद पीछे की ओर दोस्तों क्यों आता है, झटका उसे पीछे की ओर क्यों लगता है,
तेजी से बताइए, मुकेश ऋषि जी, इंद्रेश सोनकर जी, शिव कुमार जी, सपना चौहान जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सही आंसर यहां पे आ गया है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम दोस्तों, यही सही आंसर है यहां पर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, पी ब्लॉक तत्वों का हिस्सा कौन सा ग्रुप नहीं है, कौन सा समूह ऐसा है जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में नहीं होता, क्या ग्रुप 13 नहीं है, 11 नहीं है, 14 नहीं है या फिर 15 नहीं है, कौन सा ग्रुप ऐसा है जो दोस्तों पी ब्लॉक में नहीं होता है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में। बहुत ही बढ़िया धारा सिंह जी, चलिए सही आंसर यहां पे आ गया दोस्तों, समूह 11 ही वो ऐसा है जो नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड इज यूज्ड इज मेकिंग द सैनिटाइजर, यानी सैनिटाइजर को बनाने के लिए दोस्तों किस तत्व और उसके यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है, सैनिटाइजर को बनाने के लिए निम्न में से किस तत्व और उसके यौगिकों का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम का, फॉस्फोरस का, कैल्शियम का या फिर क्लोरीन का, बताइए मुझे सैनिटाइजर बनाने में किसका उपयोग करते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं और उसके यौगिकों का भी इस्तेमाल करते हैं सैनिटाइजर को बनाने में। बढ़ जाइए आगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है, यह आसान क्वेश्चन आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर पूछा गया है, सल्फर, कॉपर, नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस। बढ़िया दोस्तों बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, कॉपर इज द राइट आंसर, यही दोस्तों क्या है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़िए, विश्व विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों किस अध्ययन से संबंधित है, क्या बैक्टीरिया से, पॉइजन से, डिसीज से या फिर दोस्तों विषाणु से, किस से संबंधित है हमारा टॉक्सिकोलॉजी, इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही आंसर यहां पे दिया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर यहां पे दोस्तों आ गया है, सभी का आंसर यहां पर सही आया है, इसमें दोस्तों हम लोग करते हैं पॉइजन का दोस्तों अध्ययन, सही आंसर है टॉक्सिकोलॉजी, यानी टॉक्सिक यानी दोस्तों जहर का ही अध्ययन करते हैं। आगे बढ़िए, CaO का दोस्तों रासायनिक नाम बताइए, केमिकल नेम बताइए दोस्तों CaO का, क्या कैल्शियम मोनोऑक्साइड कहेंगे इसे, क्या कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे इसे, कैल्शियम डाइऑक्साइड कहेंगे या फिर कैल्शियम सल्फेट कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग CaO को, इसका मुझे दीजिए आंसर, CaO को हम लोग क्या कहेंगे, आशु कुमार जी, चलिए रूपेश जी, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड ही दोस्तों इसको कहा जाएगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। आगे बढ़िए, ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, जो हमारा खून है, रक्त है, ये किस प्रकार का दोस्तों टिश्यू होता है, जो रक्त है हमारा ये किस प्रकार का दोस्तों टिश्यू होता है, जल्दी से मुझे बताइए, रक्त जो है ये किस प्रकार का दोस्तों टिश्यू होता है। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक प्रकार क्या है ये कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए दोस्तों, इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स रेड कलर शोज अ पीएच ऑफ, यानी सार्वभौमिक संकेतकों में लाल रंग दोस्तों किस पीएच मान को दर्शाता है, यानी अगर दोस्तों किसी भी इंडिकेटर का रंग लाल हो चुका है इसका मतलब उसका पीएच कितने से कितने बीच में हो सकता है, क्या उसका पीएच 0 से 3 के बीच में होगा, 12 से 14 के बीच में होगा, 4 से 7 के बीच में होगा या फिर 8 से 11 के बीच में हो सकता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाल रंग की बात अगर करी जाए तो लाल रंग का मतलब है 0 से 3, यानी बिल्कुल जब वो एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर कोई होगा तभी दोस्तों उसका रंग कैसा होगा, लाल हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़िया आगे बढ़िए दोस्तों, डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, इनमें से किसका अयस्क होगा डोलोमाइट, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, डोलोमाइट यहां पर किसका अयस्क होगा, वर्षा कुमारी जी, बबल रेस जी, मुकेश ऋषि जी, यहां पर जो डोलोमाइट है दोस्तों ये किसका अयस्क होगा, सिद्धि गुप्ता जी बताइए। चलिए चलिए सही आंसर है दोस्तों मैग्नीशियम इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम यहां पर बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए विच सिस्टम इज अफेक्टेड अ पर्सन हु हैज द थैलेसीमिया, यानी किसी व्यक्ति को अगर थैलेसीमिया है तो दोस्तों उसके बॉडी का कौन सा अंग खराब होगा या किस चीज में परेशानी उसे होगी, यह पूछा गया है।
थैलीसीमिया के द्वारा किस चीज में दोस्तों परेशानी होती है, तंत्रिका प्रणाली में, पाचन प्रणाली में, या फिर दोस्तों संचार प्रणाली में, या फिर दोस्तों कंकाल प्रणाली में, किस प्रणाली में दिक्कत होगी थैलीसीमिया वाले व्यक्ति को? बहुत ही सुंदर दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए सही आंसर है दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर यहां पे दे दिया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट, यानी आंख का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर देता है। अब ये क्वेश्चन मुझे बताइए, कौन सा भाग ऐसा है जो प्रकाश की मात्रा को दोस्तों नियंत्रित कर देता है? क्या वो आयरिस है, कोरोना है, रेटिना है, या फिर नॉन ऑफ द? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित दोस्तों कौन सा भाग करता है? चलिए चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, आंख की पुतली ही दोस्तों वो है जो नियंत्रित करती है। सही आंसर आप सभी ने दोस्तों दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस करे हैं आप सभी के साथ। दोस्तों 5000 साइंस के क्वेश्चन में पूरे करने हैं, उसी में लगातार डेली हम लोग यहां पर 100 क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करते हैं, और डेली 100 क्वेश्चन करते करते हम लोग 5000 क्वेश्चन दोस्तों पूरे करेंगे, उन्हीं में दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन करे हैं। अब आज के इस लेक्चर को यहां पर ओवर करूंगा दोस्तों, मिलूंगा आपसे कल फिर से नए लेक्चर में दोस्तों, नए क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं एक बार फिर से कि ये टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों आपको ज्वाइन करना है, जिसका नाम है @shubhamsir_testbook। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है, इसी ग्रुप पर आपको सारी की सारी पीडीएफ फाइल मिलेंगी दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों आपको सभी तरह के डाउट भी आपके सॉल्व किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोग ये पास भी खरीद सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, जो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों तैयारी दोस्तों बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाएगी, तो प्रैक्टिस के लिए ये पास खरीद सकते हैं, और इसमें इस कोड का इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं जो कि है SUAPASS। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं कि आप सभी के लिए यहां पर लाइब्रेरी भी ओपन हो गई है, जो बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। testbook.com की एप्लीकेशन को बस केवल आपको डाउनलोड करना है, उसी एप्लीकेशन पर आपको ये लाइब्रेरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जहां पर दोस्तों कई तरह की क्विज मिलेगी आपको, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, स्टडी के लिए पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और दोस्तों बहुत सारे वीडियो लेसन मिलेंगे जो बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों फ्री है। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों जरूर कीजिए testbook.com की एप्लीकेशन डाउनलोड करके। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर SSC CGL 2022 का फाउंडेशन लाइफ कोचिंग बैच भी चल रहा है, जिसकी वैलिडिटी दोस्तों एक साल की पूरी है, यानी एक साल तक आपको दोस्तों पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको 400 से भी ज्यादा मिलेंगी क्लासेस, 400 से भी ज्यादा मिलेंगे प्रैक्टिस नोट्स, और 50 से भी ज्यादा मिलेंगे दोस्तों टेस्ट। तो 150 से भी ज्यादा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे दोस्तों, इस दोस्तों बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास दोस्तों गुरुओं का सानिध्य जरूर होना चाहिए। यहां पर भी दोस्तों आप लोग मेरे इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं इस बैच को परचेस करने के लिए, जिसके इस्तेमाल से दोस्तों आपको मिल जाएगा सीधे सीधे 20% का मैक्सिमम दोस्तों डिस्काउंट। दोस्तों ये बैच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो ये पांचों टीचर्स हैं, ये दोस्तों अपनी अपनी कैटेगरी के बिल्कुल शहंशाह हैं, बादशाह हैं। आप देख रहे होंगे लंबी लिस्ट है, जिन एग्जामों को इन सभी टीचर्स ने दोस्तों क्वालिफाई किया हुआ है, उनकी एक लंबी लिस्ट दोस्तों यहां पर बनती है। हर एक एग्जाम की बारीकी को दोस्तों समझते हैं ये लोग, इसीलिए दोस्तों इनको पता है कि किस बैच में किस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और दोस्तों कितना नहीं पढ़ना। तो इस दोस्तों टीचर से जुड़ने के लिए आप लोग जरूर यहां पर तैयार हो जाइए और इस बैच को ज्वाइन, ताकि दोस्तों आपका नाम और आपका फोटो दोस्तों इस बैनर पे आपको दिखाई दे। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी लोग यहां पर हैं, मेरे जितने भी खासकर स्टूडेंट हैं, उन सबका नाम और नंबर दोस्तों यहां पर, नाम और फोटो यहां पर दोस्तों छपे, मेरा भी नाम दोस्तों हो और आपकी सफलता में मेरा कुछ ना कुछ योगदान हो। दोस्तों इस बात का वादा मैं आपसे करके जाऊंगा कि जितने लोग दोस्तों यहां जुड़े रहेंगे, तो मेरे साथ जुड़कर दोस्तों आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों मैं कराऊंगा आपको, साइंस का भी कराऊंगा और आगे दोस्तों और भी चीज लेके आऊंगा। बस जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ, ताकि आपके एग्जाम में दोस्तों थोड़ा सा योगदान मेरा भी यहां पर हो पाए। चलिए तो विदा लूंगा दोस्तों आपसे आज के इस लेक्चर के बाद, कल मिलूंगा आपसे सुबह 8:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा दोस्तों ऊर्जाओं से भरे रहिए, आलस्य से दोस्तों बिल्कुल दूर रहिए। और दोस्तों फिर से मैं कहूंगा कि नया साल है तो पुरानी बातें बिल्कुल भूल जाइए। अगर किसी के साथ कुछ अनहोनी हुई भी है, या कुछ बातें खराब हुई भी है, कुछ लोगों ने हमारे साथ खराब व्यवहार करा भी है, या कुछ भी हमारे साथ अगर खराब हुआ है, तो पुराना साल दोस्तों बीत गया है, उन चीजों पर मिट्टी डालिए, उन चीजों को छोड़ दीजिए, और नए साल में नए अनुभव के साथ
साथ, नई सोच के साथ दोस्तों, नई ऊर्जाओं के साथ अपने लिए काम करने पे डट जाइए, ताकि दोस्तों आपका लेवल इतना ऊंचा हो जाए, आपका स्थान इतना ऊंचा हो जाए कि कोई भी दोस्तों आपसे कोई भी गलत व्यवहार ना कर पाए, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी मेहनत करिए दोस्तों, इन शुभकामनाओं के साथ विदा लूंगा आपसे। आप सभी को फिर से याद दिला दूं, ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड बढ़ रही है, तो अपने आस पड़ोस में जो भी दोस्तों आपको ऐसा मिलता है प्राणी जो भी ठंड से परेशान है, तो उनकी अपने स्तर से मदद जरूर करें, और दोस्तों हमेशा खिलखिलाते रहें, हंसते खिलखिलाते दोस्तों अपना जीवन जीते रहें। चलिए, तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।